26x60 फिट का अगर फार्म बनवा रहे हैं, 26 फिट लंबा वहीं 60 फिट चौड़ा, तो इसमें आपका टोटल खर्चा कितना होगा? लाइट कनेक्शन और आपके ड्रिंकर फीडर या पानी का टैंक, मोटर, फैन, उसमें कितने लगेंगे? टोटल बातें होंगी, टोटल खर्चा होगा। बहुत सारे आपके कमेंट थे कि सर इतने बड़े फार्म में कितना खर्चा होता है, तो यहाँ पे देखेंगे 26 फिट अगर चौड़ा है और 60 फिट लंबा है तो ये आपका 1560 स्क्वायर फिट का फार्म बनता है। और गर्मी में इसमें 1000 चिक्स, वहीं ठंडी में आप 1200 चिक्स तक डाल सकते हैं। तो 1.5 स्क्वायर फिट अगर एक मुर्गों के लिए आप देते हैं तो काफ़ी अच्छा स्पेस रहता है, क्योंकि अगर आप प्राइवेट करते हैं तो आपको इसी तरह से स्पेस देना चाहिए। अगर कंपनी के साथ में करते हैं तो वो जो है 1.2 स्क्वायर फिट में एक जो है मुर्गों के लिए जगह देती हैं, लेकिन आप अगर प्राइवेट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोर्टलिटी बढ़ जाती है, इसलिए मोर्टलिटी को रोकने के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो 1000 बच्चों के लिए ये फार्म बहुत ही अच्छा रहता है। और ठंडी में इसमें आप बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, 200 बच्चे बढ़ा सकते हैं, 1200 तक डाल सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो आप ठंडी में भी अगर 1000 ही डालते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। तो इसमें कितना खर्चा लगेगा दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। अगर इतना बड़ा फार्म है, 26 फीट चौड़ा है, तो इसके लिए आपको जो है 8 फीट सीमेंट के चद्दर की ज़रूरत होगी, जिसकी लंबाई 8 फीट होगी। और इतने बड़े फार्म में जो है 64 सीमेंट के चद्दर लगेंगे 8 फीट के, और इनका प्राइस जो है अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। अभी अगर आप अच्छी कंपनी का लेते हैं तो 550 में मिलता है, 600 तक भी मिलते हैं, लेकिन 550 के हिसाब से इसमें जो है 35,200 का खर्च होता है। और इतने बड़े फार्म में अगर 8 फीट जो है सीमेंट के चद्दर देते हैं 8 फीट का, तो साइड में जो है आप 1 से 1.5 फीट निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर साइड में आप 1.5 फीट तक अगर स्पेस नहीं देते हैं, चद्दर को बाहर नहीं निकालते हैं, तो बरसात के मौसम में जो पानी बरसता है तो फुव्वारा सीधा फार्म के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से फार्म के अंदर नमी हो जाती है। तो आपको बाहर ज़रूर सीमेंट के चद्दरों को निकालना है, जो दीवार है उससे 1.5 फीट कम से कम, अगर 2 फीट है तो भी ठीक रहेगा, लेकिन 1.5 फीट कम से कम आप ज़रूर निकालिए। तो 64 अगर चद्दर लेते हैं सीमेंट के, तो इसमें जो है 35,200 का खर्च होता है। और ईंट की बात करें, क्योंकि इसमें जो नीचे का कंस्ट्रक्शन है, आपको दीवार भी देना पड़ता है 1 फीट लगभग, ज़मीन से आप थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं 1 फीट, उसके बाद 1 फीट अदर देना पड़ता है, क्योंकि आप हमेशा नोट रखें कि जब भी आपके मुर्गे बड़े हों तो उनके पीठ तक जो है आपका जो साइड की दीवार है उनके पीठ तक आए। तो इसमें आपका 2000 ईंट का खर्च होगा ही होगा, क्योंकि दोनों साइड में जो है पूर्व से पश्चिम आपको दीवार देनी पड़ेगी। बाकी पूरे फार्म में जो है आपका नीचे जो है बुनियाद रहेगा और ईंट की दीवार रहेगी 1 या फिर 1.5 फीट, उसमें मिट्टी की भी पटान होगी, तो 1 फीट या 1 फीट से थोड़ा कम ही उसमें जो है स्पेस रखें, बाकी मिट्टी की पटान आपको कराना होता है। तो इसमें जो है 2000 ईंट लगेंगे, और यहाँ के प्राइस के हिसाब से 8000 रुपये प्रति 1000 ईंट है, तो 16000 रुपये इसमें खर्चा होता है। वहीं इतने बड़े फार्म में अगर इस तरह से फार्म बनवाते हैं तो 10 दिन काम चलता है, तो मिस्त्री का जो खर्च होता है वो 7000 रुपये, वहीं 3 लेबर 10 दिन अगर काम करते हैं तो इसमें 10000 का खर्चा होता है। तो इसे अगर हम टोटल कर लेते हैं तो ये हमारा 17000 रुपये आता है। और गिट्टी, मोरंग, सरिया, सीमेंट, क्योंकि साइड की दीवालों में जो आप पिलर देंगे उसमें सरिया का भी यूज होगा, तो इसमें टोटल खर्चा जो है 15,000 से 16,000 रुपये आता है। तो 15,000 मैंने जोड़ा है, और 7 क्विंटल टोटल जो आपका सेट बनेगा या साइड में जो भी आपके पाइप लगेंगे वो उसमें जो है जो लोहे का यूज होगा वो 7 क्विंटल लोहे का यूज होगा, चाहे वो 1.5 इंच गोलाई वाला पाइप हो या फिर 1 इंच, दोनों तरह के पाइप का यूज होता है। सेट बनाने में 1 इंच पाइप लगता है, वहीं जो सेट को रोकने के लिए मोटी पाइपों का यूज होता है तो उसमें 1.5 इंच मोटी पाइप लगते हैं। तो इसमें जो है 61,600 लोहे के पाइपों में 61,600 का खर्च होता है। अब इतना अगर हम टोटल करते हैं तो ये हमारा 1,44,600 रुपये आता है। और इसमें अगर मिट्टी की पटान कराते हैं तो 10,000 का खर्चा होता है। ड्रिंकर फीडर में जो है 20,000 का खर्चा होता है। और पानी का मोटर लेते हैं तो 3500 या फिर 4000 में अच्छा जो है पानी का मोटर मिलता है, तो हमने 4000 जोड़ा है इसमें वायर और बोर्ड को मिला के। वहीं लाइट कनेक्शन लेते हैं तो इसमें जो है 4000 का खर्च होता है। इसके लिए आपको अपने जो है नज़दीकी पावर हाउस पे जाना पड़ेगा या फिर जहाँ पे कनेक्शन जो भी अधिकारी होते हैं जो कनेक्शन देते हैं आपके सिटी में, वहाँ पर जाना पड़ेगा, तो वहाँ से आपको जो है टोटल जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि आपको अगर इतना बड़ा फार्म है तो हाईवे कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 किलोवाट वाला लेते हैं तो आपका जो है
आठ से दस फैन आराम से चल जाते हैं, वहीं मोटर भी चल जाता है और पंखा भी चल जाता है, लाइट भी जल जाती है। तो जाली में दोस्तों 10,000 का खर्चा होता है, पानी के टैंक में 4,000 का खर्चा होता है, वहीं फव्वारा जो फार्म के ऊपर लगता है गर्मी में फार्म को भिगोने के लिए, उसमें 2,000 का खर्च होता है, और इसके साथ में जो पाइप लगता है उसमें भी 2,000 का खर्च होता है। तो ये टोटल हमारा 4,000 बनता है। पंखे की बात करें तो 8 फैन अगर इतने बड़े फार्म में लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर 50 वाट के 8 फैन इसमें लगाते हैं तो 400 वाट बिजली की खपत करेगा फैन। तो अगर 8 फैन लेते हैं 1500 रुपये का एक फैन, तो ये हमारा 12,000 का बनता है 8 फैन। तो इससे अगर हम टोटल कर देते हैं तो हमारा 68,000 रुपये आता है। और इधर के खर्चे और प्लस इधर जो भी खर्चा हुआ है इसको अगर हम टोटल कर देते हैं, 1,44,600 प्लस 68,000 रुपये जो इधर का आया है, तो टोटल खर्चा हमारा 2,12,600 रुपये आता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 26 फीट चौड़ा और 60 फीट लंबा फार्म बनवाते हैं तो इसमें जो है आपका 2,12,600 का खर्च आता है।